हाँ जी, सत श्रीकाल दोस्तों जी, स्वागत है जी थोड़ी आज नवी वीडियो च। मैं थोड़ा अपना जसप्रीत, तो अज आप गल करांगे ट्विटर इलॉन मस्क ने कहिंदे बाय कर लिया, तो अज तुहानू दसांगे कि उन्होंने बाय किया कि उन्हें करना पिया, तो आज करते हैं वीडियो शुरू। हाँ जी, तो दसिया जाता है कि 44 बिलियन डॉलर के जिहड़ा इलॉन मस्क ने ट्विटर बाय कर लिया, तो आते सार ही उन्होंने सारे नालों पहले तो जिहड़ा सीईओ सी पराग अग्रवाल उन्होंने चक के बाहर कढ़ता है, तो 50% तो उन्होंने जोड़े इंपलॉय से उन्होंने ऑलरेडी कढ़ता है, तो बाकी भी कहें भी 25% जोड़े उन्हें होर कढ़ने हैं, तो बाद उन्होंने स्पैशली ट्वीट करके दसिया भी जोड़ा ट्विटर है हूँ फ्री है, तो फ्री की गल करते क्योंकि वो अपने आप से शो करते हैं ज मतलब उन्होंने प्यार हैगा फ्री स्पीच के नाल, तो दसदे थोनों कि प्यार हैगा उन्होंने फ्री स्पीच के ना। तो आप अज गल करते हैं रियलिटी की, तो कितों गल शुरू हुई है, बट उन्होंने तो शिंक भी लैके आए से अपने हैडक्वाटर के ट्विटर के भी हूँ सब कुछ ठीक हो जूगा। हाँ जी, तो गल शुरू होंगी है 2022 जदों इलॉन मस्क ने पहली बार अपने ट्विटर के शेयर खरीदे, फिर ये आ जाते हैं 14 मार्च के जोड़ा उन्होंने इन्ने के शेयर खरीद ले कि उन्होंने 5% होंगे, तो यूएसए के एक लो है कि जो कोई जोड़ा बायर वे 5% जे वो स्टेक हो जाता है किसी कंपनी के उन्हों पब्लिकली दसना पैंता भी मैं 5% जोड़ा ओन करता है। तो 24 मार्च में फिर अपने जोड़े इलॉन भाजी है वो ट्विटर के पा देंगे एक जिदा वोट करो कि बारे भी फ्री हैगा ट्विटर के ना, तो काफ़ी लोगों ने 70% ने ना का जवाब दिता है। फिर अपने इलॉन भाजी है जोड़े उन्होंने सीईओ मिलते हैं उन्होंने गल करते हैं, तो वो एक मीटिंग रखते अब्रॉड मीटिंग आप गल करते हैं कि इलॉन मस्क उन्होंने सुजैसट करते हैं भी जां तां इन्हां नूं प्राइवेट कंपनी बना दी जाए जां रिवील जिहड़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना दिता जाए ट्विटर नूं जे तुसीं फ्री स्पीच जिंदा रखनी चाहते हो। तो 4 अप्रैल तक लोगों को पता लग जाता है कि 9.2 जिहड़ा शेयर होल्डर है इलॉन मस्क को हाईएसट हो जाता कंपनी के, जिवें लोगों आह गल का पता लगता नाल दी नाल जिहड़ा ट्विटर का शेयर है वह नाल दी नाल सीधे 25% वध जाता। फिर की होंदा है कि 5 अप्रैल में जिहड़ा सीईओ सी उन्होंने ऑफर करता है कि तुम ब्रॉड पोजिशन की अपनी मीटिंग ले आओ उन्होंने बह के गलबात कर दे, तो इलॉन मस्क इन एक्सैप्ट भी कर लेंगे। तो 9 अप्रैल में 4 दिन बाद 9 अप्रैल में जिहड़ा इलॉन मस्क है वह ट्विटर से फिर एक ट्वीट करके कहते भी ट्विटर टाइम मतलब भी ट्विटर मार रहा, तो सीईओ जिहड़ा उन्होंने मैसेज करके उन्होंने गल कर दे भी तू सारे नालों वध शेयर होल्डर है ट्विटर का, तो इदा क्यों क्रिटिसाइज़ कर रहा है ना। तो नाल दी नाल एक घंटे के बाद इलॉन मस्क ये भी लिख देंगे कि वो जी ब्रॉड मीटिंग है वो ज्वाइन नहीं करना चाहते, वो जस्ट एक वेस्ट ऑफ टाइम है। तो फिर गल आ जाती है 14 अप्रैल से, तो वो उन्हें ऑफर करते अपने ट्विटर नूं इलॉन मस्क के 43 बिलियन डॉलर के जोड़ा मैं थोड़ी कंपनी है वो सारी खरीद लेना चाहते हैं, क्योंकि इलॉन मस्क ये चाहता है भी कंपनी नूं प्राइवेट बना दिता जाए, वो पब्लिक कंपनी नहीं रखना चाहता है, क्योंकि पब्लिक कंपनी जे कोई रखता है वो जे अपने शेयर के अपने जे उन्हें कर दसदा आ तो प्राइवेट बनाता, उन्होंने मेन रीज़न ये क्योंकि प्राइवेट तो पब्लिक से फर्क होंगे, जे पब्लिक कंपनी हो सारा कुछ दसना पैंता अपनी कंपनी बारे, पर जी प्राइवेट है प्राइवेट को अपने कुछ आपके रूल बना सकती है, जे वो लोगों को कुछ रूल ना भी दसे वो लोगों तो रूल लुका के भी रख सकती है। तो 20 अप्रैल में इलॉन मस्क ने सारा कुछ दसता भी ये पैसे कितों आएंगे किमें कि लोन दे कि इनवेस्टर ने किन्ने आपके पर्सनल यूज़ करे, तो 25 तरीक में जोड़े ट्विटर वाले वो इन्हों के सारे पैसे देख के भी कितों आने किमें आ रहे हैं, तो उन्होंने जी ऑफर ही वो एक्सैप्ट कर लेंगे, पर वो जी कुछ कंडीशन रख देते हैं भी जिनी देर तक डील डन नहीं होंगी तुम साढ़े किसी भी बंद माड़ा चंगा नहीं बोलना कंपनी या कंपनी के मैंबर बारे किसी ने नहीं बोलना, जे इदा दी कंडीशन ब्रीच करते हैं कि थोनू 1 बिलियन डॉलर जोड़े देने पैणगे अपने ट्विटर वाले, फिर एकदम पता नहीं की होया उन्होंने प्लैन बदल गया जज्बात बदल गए सब कुछ बदल गया उन्होंने, उन्होंने कहता भी जी जी डील सी ट्विटर की वो होल्ड दे रख दी, और रीज़न उन्होंने ये दिता कि जोड़े बोट्स है वो बहुत ज़्यादा ने जिन्हें उन्होंने उम्मीद से उसके नो काफ़ी ज्यादा, तो अपने इलॉन मस्क भाजी प्रूफ मंगन लग गए, तो लोगों का यह कहना सी कि हूँ इलॉन मस्क का इन्ना इंट्रस्ट नहीं रहा ट्विटर से, तो वो ज़्यादा पैसे घट कराना चाहते हैं तो जो खरीदना ही नहीं चाहते, फिर ना दी नाल जिहड़ा सीईओ सी ट्विटर का वह जवाब आ जाता वो कहता भी असं एक्सटरनली रिव्यू नहीं कर सकते क्योंकि अपनी जी प्राइवेसी जोड़े अपने कस्टमर आ जो ट्विटर से है उन्हों की प्राइवेसी का अपना उलंघन हो जूगा, आप प्राइवेसी ब्रीच नहीं कर सकते, तो यदा आप डाटा नहीं दे सकते। तो आह ट्वीट के थले अपने इलॉन मस्क भाजी ने एक टट्टी का इमोजी भेजता, तो 25 अप्रैल में अपना जो ट्विटर है वो डील में टर्मीनेट कर देता, तो दस दिया भी जी इन्हें कंडीशन तोड़िया ने साडे जे इंपलॉय ने उन्होंने माड़ा बोलिया, तो 8 अप्रैल में अगों इलॉन मस्क भी टर्मीनेट कर देता, वो कहता भी जोड़ा इन्हों डाटा है वो सही नहीं है,
ਅਤੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਵਿੱਟਰ ਆ ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਦੀ ਖਰੀਦਣਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਨੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਆ। ਹੁਣ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਲੋਨ ਮਸਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਟਾ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸ ਇੰਪਲੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ COE ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੂਅਰ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਨਸਰਟੇਨ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਲੋਨ ਮਸਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਲੋਨ ਮਸਕ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਚਾਹਤਾ ਵੀ ਕਿ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਔਖਾ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇਲੋਨ ਮਸਕ ਭਾਅ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਉਹ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਡੀਲ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੀਲ ਸੀ ਉਹ ਡਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ COE ਸੀ ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਲੋਨ ਮਸਕ ਸੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਕਿ 70% ਜਿਹੜੇ 75% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 25% ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ COE ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਟ ਵਾਂਗੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਸੇਜਿੰਗ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਗੈਰਾ, ਵੀਡੀਓ ਵੂਡੀਓ, ਪੇਮੈਂਟ ਪੂਮੈਂਟ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਕ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਲੂ ਟਿਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $8 ਪਰ ਮੰਥ ਦੇ ਪਲੈਨ 'ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੇਮਸ ਲੋਕ ਸੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, $8 ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣੀਆਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਓ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਟਵਿੱਟਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫ੍ਰੀ। ਬਾਕੀ ਕਈ ਐਕਸਪਰਟ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਟਿਕਟੋਕ ਵਰਗਾ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ। ਟਵਿੱਟਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਚੈਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਿਕਟੋਕ ਜਾਂ ਟਿਕਟੋਕ ਪਲੱਸ ਟਿਕਟੋਕ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫੀਚਰ ਦੱਸੂਗਾ। ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।